Morning students, today we are going to read diversity in India. Firstly, the question is that what is the meaning of diversity? Diversity ka kya meaning hai? Pehle to ye hame puchna hai. Diversity means different things. Anekta, Hindi mein isko hum anekta kahenge, yani ke alag alag cheeze. Theek hai? To diversity means अनेकता या डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो. सो इन इंडिया देयर इज़ डाइवर्सिटी. इंडिया में क्या है? डाइवर्सिटी है. डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कस्टम्स. ओके, बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के पर्सन्स रहते हैं. ओके, एज़ वी ऑल नो, हमारे आसपास भी हमने देखा है कि अलग कास्ट है लोगों की, अलग टाइप से वो लैंग्वेजेस बोलते हैं. बहुत से लोग हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस से देखे हैं और डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं उनकी. तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ओके, इट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी. क्लियर? In this topic, we are going to read about this diversity. India is a large country extended from Kashmir to Kanyakumari and Arunachal to Ankleshwar. Kashmir kahan hai? Upper side mein. Kanyakumari niche, yani ki Kashmir se Kanyakumari tak aur Arunachal Pradesh se Ankleshwar. Okay? इस एरिया तक इंडिया एक्सटेंडेड है, इंडिया फैला हुआ है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन. वैरायटी क्या होती है? अलग अलग तरह की चीज़ें. तो यहाँ पर क्लाइमेट्स में भी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग टाइप की क्लाइमेट आते हैं. सॉइल डिफरेंट टाइप की है, इरीगेशन मैथड, कहीं पर हम ट्यूबवेल से कर रहे हैं. इन सम एरियाज़ farmers are depending on rainfall and from in some areas irrigation was done by canals. So irrigation ke bhi different method hai. Okay, aur cultural and religious background symbolizes diversity in various field. हमारे कल्चर, हमारा रिलीजन अलग है. बैकग्राउंड मींस कि हम कौन से रिलीजन से, कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, किस चीज़ को हम फॉलो करते आ रहे हैं. ओके, तो हमारे कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड के कारण भी हमारे एरिया में, यानी कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटीज़ हैं. ओके, एंड फूड हैबिट्स, खाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका दोनों अलग हैं सबके. हम नॉर्थ इंडिया में हम क्या यूज़ करते हैं मेनली? वी यूज़ मेनली वीट फ्लोर, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में वीट ज़्यादा ग्रो होता है और हम वीट फ्लोर यूज़ करते हैं. बट इन साउथ इंडिया देयर वॉज अ ग्रेट क्रॉप ऑफ राइस. साउथ इंडिया में राइस बहुत ज़्यादा होता है एंड दे यूज़ टू हैव फूड दैट मेड बाय राइस. वो उस फूड को खाना प्रेफर करते हैं जो राइस से बना है. वो वहाँ पर राइस फ्लोर को यूज़ करते हैं. जो आप डोसा खाते हैं उसमें भी राइस मिक्स राइस फ्लोर होता है, तो वो राइस से बना हुआ फूड आइटम प्रेफर करते हैं. ओके, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं. इवन क्लोथिंग भी हमारी डिफरेंट है. यहाँ हम सूट वियर करते हैं, साउथ इंडिया में साड़ीज वियर करते हैं और कश्मीर में कश्मीरी ड्रेसेस हैं, फिरन बोलते हैं उनको, वो वियर करते हैं. सो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस इज़ आल्सो देयर. ठीक है, तो इन आर कंट्री देयर इज़ डाइवर्सिटी, मींस हम अलग अलग टाइप की चीज़ों को यूज़ करते हैं डिफरेंट पार्ट में कंट्री के. ओके, और आप हर एरिया में नोटिस कर सकते हैं बेटा वैरायटी एंड डाइवर्सिटी. वैरायटी को और डिफरेंट थिंग्स को हम हर एरिया में, हर पार्ट में देख सकते हैं. इवन विद इन अ रीजन द लाइफ स्टाइल इज़ वेरी मच डिफरेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया. क्लियर? रूरल मतलब गांव में
एंड अर्बन एरिया मतलब शहरों में। एक ही एरिया में अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी विलेज में अलग टाइप से लोग रहते हैं और सिटी में अलग टाइप से लोग रहते हैं। उनका कल्चर, उनका वे ऑफ लिविंग जो है, उनका क्लोथ वेयरिंग करने का भी, वो सब डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस कि हमारी कंट्री में हर एरिया में थोड़ा सा अगर हम आगे मूव करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर हमें डाइवर्सिटी विजिबल होगी, डिफरेंट थिंग्स विजिबल होंगी। ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर, द डाइवर्सिटी इन इंडिया वॉज प्रोवाइडेड एज अ ग्लोरियस पास्ट एंड अ रिच कल्चरल हेरिटेज। दिस हैज़ पेव्ड द वे फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़, इतने सारे डिफरेंट थिंग्स हैं हमारे पास। हिस्ट्री अलग है, हमारे इंडियन किंग्स अलग थे, हिंदू किंग, मुस्लिम किंग अलग थे, उनका कल्चर अलग था, और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए तो और कुछ यहाँ पे डेवलप हुआ, सोसाइटी अलग तरह से वर्क करती थी। ठीक है, तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये इंडिया में डाइवर्सिटी लेकर आती हैं, और ये डाइवर्सिटी क्या प्रूव करती है, दैट वी हैव अ ग्लोरियस पास्ट। हमारा एक बहुत ही ग्लोरी से भरा हुआ, फेम से भरा हुआ, बहुत लार्ज स्केल पे बहुत सुंदर एक बहुत अच्छा पास्ट है। ओके, और यहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा है, बहुत रिच है, बहुत से लोगों का कल्चर मिलकर हमारा इंडियन कल्चर बना है। ओके, तो ये हमारा एक रिच कल्चर है। क्लियर, एंड इसी कल्चर से ही हम डेवलपमेंट की तरफ, यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग से ही सीखा है कि रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स को मिलकर रहना है, वी हैव टू लिव टुगेदर विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ हमें हमारे पास से मिली है, हमारे रिच हेरिटेज से मिली है। क्लियर, सो लेट्स रीड नाउ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अलग अलग एरियाज़ को बिलोंग करते हैं, वी हैव डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड। अलग अलग होने के बावजूद, अलग अलग थिंकिंग होने के साथ ही, वी आर यूनाइटेड, वी ऑल आर इंडियंस। ओके, द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ आउटकम ऑफ आर एप्रिसिएशन एंड टॉलरेंस फॉर डिफरेंट बिलीव्स एंड कस्टम ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है या कल्चर है या यूनिटी है, वो कहीं बाहर से नहीं आई, ये हमारे अंदर डेवलप की गई है। क्लियर, हमारी जो कस्टम्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशन है, उससे ये टॉलरेंस हमें डेवलप हुई है। ओके, इंडिया की जो यूनिटी है, इट इज़ अ यूनिक फीचर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत यूनिक है कि डिफरेंट होने के बावजूद हम इंडियंस हैं और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एंड वी लिव हैप्पीली टुगेदर। हम एक साथ मिलकर रहते हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ बन चुका है। ये डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एरियाज, ये सब हमारा एक स्ट्रेंथ है। ओके, ओके, फर्स्टली जस्ट टेल मी, आप हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल मींस जब हमारा जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं, उसको कट करते हैं, तो हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हम अप्रैल में करते हैं, रिमेंबर दैट। कौन सा फेस्टिवल, विच इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल? येस, इट इज़ बैसाखी, एंड वी सेलिब्रेट इट ऑन 13th अप्रैल। हम 13th अप्रैल को बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, एंड नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया, ये सिर्फ हरियाणा पंजाब में नहीं, बल्कि डिफरेंट पार्ट्स में भी
हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और इनके नेम चेंज हो जाते हैं बेटा बस। ओके, एज केरला इन ओनम, सॉरी ओनम इन केरला, ठीक है वो आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। तो ओनम जो है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट होता है ऐसे ही केरला में ओनम सेलिब्रेट होता है, और तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। यू हैव अ चैप्टर इन क्लास 6 अबाउट पोंगल आई थिंक। और इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ओनम केरला का फेस्टिवल है और पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है, क्लियर। और इसके साथ ही डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं हमारे पास। गरबा फॉर गुजरात, गुजरात में गरबा किया जाता है। बिहू आसाम में किया जाता है। घूमर राजस्थान में होता है। जो पंजाब है वहाँ का भांगड़ा है, ठीक है। ये सब भी हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर शो करते हैं। एंड व्हेन वी फील हैप्पी वी विल डू दिस डांस फॉर्म। हम जब भी हैप्पी फील करते हैं तो हम सब डांस करते हैं, और अपने अपने स्टाइल में जो भी हमारा डांस फॉर्म है हम उसमें डांस करते हैं। इट इज़ द मैथड टू शो या द प्रोसेस टू शो आर हैप्पीनेस। ओके, डांस हम कब करते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं। तो हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के डांस हैं और वो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। द रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लाइज इन द बिलीफ दैट ऑल कल्चर्स आर इक्वल। हमने कभी किसी के कल्चर को छोटा या बड़ा नहीं समझा। हमने ये नहीं कहा कि ये तो बेकार है, इनसे अच्छा तो हमारा है। नो, ऑल आर इक्वल। दे आर फॉलोइंग देयर ट्रेडिशन, वी आर फॉलोइंग आर ट्रेडिशन। हम अपने बड़ों की बात मानते हैं, वो अपने बड़ों की बात मान रहे हैं, और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडियन जो कल्चर है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि हम सभी कल्चर्स को इक्वल फील करते हैं। एंड इंडियन फील प्राउड ऑफ आर रिच हेरिटेज। हम अपने रिच हेरिटेज के बारे में, जो रिच हेरिटेज के साथ बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी कंट्री में इतने सारी स्टेट्स हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं इसके लिए। आर रिस्पेक्ट एंड फेथ इन दिस डाइवर्सिटी हैज़ केप्ट इंडिया यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आर थिंकिंग। हम अच्छा सोचते हैं, हम हेल्दी सोचते हैं, हम यूनिटी में रहते हैं, इसी रीज़न के कारण इंडिया यूनाइटेड है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बाद भी। ओके, एंड हेयर यू कैन सी द डांस फॉर्म्स एंड डिफरेंट सेलिब्रेशंस। यू कैन सी हेयर द पीपल ऑफ पंजाब जस्ट dancing, they are doing bhangra, here the bihu dance, okay, aur ye kathakali hai, and this is garba, and this is the onam celebration, okay, to ye sab hamari diversity ke sath sath hamari country ki unity ko bhi show karte hain, okay. Now we have inequalities. हमारी कंट्री में inequalities तो थी, but हमारे जो constitution है, constitution क्या होता है बेटा? Constitution होता है a book of rules. Rules की एक book है जिसमें different laws बनाने के लिए, different rules बनाने के लिए instructions दी गई हैं. That is constitution. और इस rule book को, इस constitution को हमारी पूरी कंट्री के लिए फॉर्म किया गया है, ओके। अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज़ फॉलोइंग बाय द होल कंट्री। जो पूरी कंट्री फॉलो कर रही है इसमें वो रूल्स हैं, ओके। तो हमारे जो इंडिया है, कंट्री है, वहाँ पर डिफरेंट जो पर्सन्स हैं वो तो रहते हैं, डिफरेंसेस तो हैं और इनइक्वालिटीज़ भी हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मीन्स जो
खुद को सेफ करने के लिए, जो सुरक्षा कवच कह लीजिए हिंदी में, तो सेफ गार्ड हमें प्रोवाइड किए। इन इंडिया वी हैव सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, दोनों एरियाज़ में हमारे पास इनइक्वालिटी है। हम सोसाइटी में भी कई बार दूसरे लोगों के साथ गलत बिहेव करते हैं, अनइक्वल बिहेव करते हैं। और रूरल और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा हो जाता है, ओके। और इससे हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन एस्टैब्लिश होता है, क्लियर। एंड देयर आर वेरियस रीज़न फॉर इट, अलग अलग रीजंस हैं। हमारी डे टू डे लाइफ है जिसमें हम बहुत सारे पुअर और डाउन ट्रोडन मीन्स गरीब, जो बिल्कुल पुअर हैं, जिनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है, वो सब हम लोग देखते हैं, जिनको रिच पर्सन्स या सोसाइटी के जो हायर कास्ट के पर्सन्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट मीन्स दबाना, ठीक है, एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं, उनसे ज़्यादा वर्क करवा के कम पैसे देते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं हमारे एरियाज़ में, ओके। इल ट्रीटेड मीन्स उनसे मिसबिहेव किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है। कौन करता है? रिच पर्सन्स, ओके। द फॉलोअर ऑफ वन रिलीजन लुक डाउन अपॉन अदर। और कई बार ऐसा भी होता है, लोग अपने रिलीजन को ज़्यादा हाई मानते हैं और दूसरे पर्सन के रिलीजन को कहते हैं कि ये तो लोअर कास्ट का है, या ये उस रिलीजन से बिलोंग करता है, ये तो ऐसे ही होता है, मतलब इस तरह की कुछ गलत बातें करते हैं, ओके। अलग अलग लैंग्वेजेस के कारण प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जो मेन हैं वो भी समटाइम्स वीमेन को एक्सप्लॉयट करते हैं, वीमेन का मिसयूज़ करते हैं, उसे डराते हैं, उससे गलत बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो ये सब भी इनइक्वालिटीज़ के ही साइन हैं, ओके। एंड दीज टाइप ऑफ डिफरेंसेस कैन नॉट बी कॉल्ड डाइवर्स फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये डिफरेंट थिंग्स नहीं है, ये हम उनको इनइक्वल समझते हैं, ये इनइक्वालिटी है कि वो हमारे बराबर नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है, वो हमसे डाउन है, इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, ओके। तो इनइक्वालिटी, प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को वो चीज़ें डेवलप करती हैं, ठीक है। ये सब क्या है? इनइक्वालिटी है, प्रेजुडाइज है और डिस्क्रिमिनेशन है। असमानता, प्रेजुडाइज होता है कि डिफरेंट समझना खुद उनको, और डिस्क्रिमिनेशन उनसे भेदभाव करना, ओके। प्रेजुडाइज मीन्स, डू यू नो हम रीड कर रहे हैं, मीन्स प्री जजमेंट, प्री कंसीव्ड नोशंस वन माइट हैव अगेंस्ट एनी रीजन, रिलीजन, कलर, स्किन और इंडिविजुअल, देयर एसेंट, इवन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक, एक्सेंट, इवन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक और क्लोज दे वियर। पहले से ही जज कर लेना कि इसने ऐसे क्लोज पहने हुए हैं, इट मीन्स ये तो बेकार पर्सन होगा, इसको तो कुछ आता नहीं होगा। उनकी क्लोदिंग से, उनके बोलने के तरीके से, ठीक है, एक्सेंट होता है बोलने का तरीका, उनकी लैंग्वेजेस से, ओके, और उनके रीजन एरिया के अकॉर्डिंग कि वो यूपी से आया या बिहार से आया तो इस तरह का पर्सन होगा, ठीक है, वो गोरा है या काला है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब हमारी अपनी थिंकिंग है, प्रेजुडाइज मीन्स कि हम अपनी थिंकिंग एक बना लेते हैं कि वो पर्सन ऐसा है, ठीक है, उसके कपड़े देखकर, उसका बिहेवियर देखकर, या उसकी क्लोथिंग और उसका कल्चर को देखकर, उसके एरिया को सोचकर, क्लियर। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन व्हेन द पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और एक्ट इन बायस्ड मैनर। जब लोग अपने सोच को एक्शन में चेंज कर लेते हैं, हम एक तो सोच रहे हैं कि वो इसको नॉलेज नहीं होगी या इसको कुछ आता नहीं होगा, और उसके बाद हम उसके साथ वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो रहने तो तुमसे नहीं होगा, तुझे नहीं आता होगा, इस तरह से हम कुछ बात करते हैं, तो वो क्या है?
दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, कि हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं. ओके और इन सब के लिए हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने बहुत सा वर्क किया है. यू कैन सी हियर द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फॉर सोशल जो रिफॉर्मर्स थे उनकी यहाँ पर पिक्चर्स हैं. ही इज़ राजा राम मोहन राय. हेयर इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर. स्वामी दयानंद सरस्वती, वी ऑल नो अबाउट हिम. एंड ही इज़ बाल गंगाधर तिलक. इट इज़ अबाउट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पर्सन्स हमारी कंट्री से जो इनइक्वालिटी थी या डिस्क्रिमिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई. ठीक है, अभी भी है कुछ एरियाज में बट बहुत कम है. मैक्सिमम वी हैव द इक्वलिटी इन ऑल द एरियाज. ओके, इन्होंने कौन सी चीज़ों को, कौन सी इनइक्वालिटीज़ को दूर किया? अनटचेबिलिटी, के किसी को टच नहीं करना, ये नीची जात का है, ये डाउन क्लास का है, इसको टच नहीं करना है. जेंडर बेस्ड के गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिफरेंसेस किए जाते थे उन्हें, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब्स नहीं थी उनके लिए इन्होंने वर्क किया. इलिटरेसी, अनपढ़ता, ठीक है कि अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, हर किसी को स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, इस चीज़ को इन्होंने आगे लोगों के सामने लेकर आए और उसके बारे में मोटिवेट किया, लोगों को बात की कि हमें ये सब नहीं करना है या इस वे में वर्क करना है, तभी हमारी कंट्री डेवलप होगी. ओके, और बहुत सारे इविल्स भी थी उस टाइम पर इंडिया में, जो चाइल्ड मैरिज थी वो भी थी. ओके, एंड सती प्रथा थी, हमने पढ़ा है अपनी हिस्ट्री में कि सती प्रथा यानी कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ उस पर्सन के साथ ही बर्न हो जाती है, जल जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड सती प्रथा. और इन सोशल रिफॉर्मर्स ने सती प्रथा के अगेंस्ट और जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट रूल्स बनवाए कि बच्चों को भी परेशान ना किया जाए चाइल्ड मैरिज करके. गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और बॉयज़ भी जो थे वो सेटल्ड नहीं थे तो उन पर भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि उनको अपना फैमिली को रेज करना है, तो इसलिए उन्हें टाइम से पहले ही बर्डन आ जाता था बच्चों पर. ओके, तो इसलिए उन्होंने सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज दोनों को बैन करवाया. जब इंडिया का व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बीइंग फ्रेम्ड आवर नेशनल लीडर्स केप्ट दिस इन माइंड. हमारे नेशनल लीडर्स ने भी जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे इंडिया के लिए, रूल्स बनाए, उन्होंने भी ये माइंड में रखा कि ये सब जो इविल्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, ये अब हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में ना हो. ओके, और उन्होंने कुछ प्रोविजंस दिए हमें. प्रोविजंस क्या होता है? कुछ राइट्स देना, कुछ हमारे लिए करना. हमें कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए जिनका एम था सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि सब इक्वल रहें, सोशली भी पॉलिटिकली भी सबको गवर्नमेंट फॉर्म करने का एक राइट मिले और इकोनॉमिकली मींस ग्रो होने का, कि सब रिच हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन अगर वो पुअर, उसका पुअर फैमिली में बर्थ हुआ है तो वो रिच नहीं हो सकता. नो, ही कैन बी रिच. तो इस तरह से इक्वालिटी मिली है हमें हर चीज़ में, और इक्वालिटी में हमें राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स. इनमें राइट है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड इसी तरह के हमारे पास 6 राइट्स हैं. ओके, सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये भी गिवन है हमें. और अलग अलग लेवल पर हमें जो स्टेट्स दी गई हैं वो हमारे लिए वर्क करती हैं, तो ये सब प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है. ओके, एंड हेयर इज़ अगेन रिटन के दिस विल बी यू रीड इन क्लास 7th. ये जो चीज़ें हम अब डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में अच्छे से हम कब रीड करेंगे? क्लास 7th में. ओके, सो दिस इज़ अबाउट आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स मिले हैं, सो दैट स्टेट कैन वर्क फॉर अस, फॉर आर वेलफेयर, हमारे अच्छे के लिए स्टेट वर्क कर सके, तो ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं. ओके, सो
बेटा इसको अच्छे से रीड करना है चैप्टर को, जो भी मैंने आज करवाया है और प्रीवियस भी, एंड आपको जो भी समझ नहीं आएगा यू कैन आस्क, आप उसे पूछ सकते हैं कभी भी, क्लियर? ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।